चलो भाई, यहाँ तो सफर थी कि वो एक क्लॉक टावर दिख रहा है। लग रहा है कराची है। बक्सा दी कर दिया तरह ने अपना पांव मुबारक जो है वहां पे दिया, तो वहां पे एक सांप आया, इसलिए हजरत अबू सदी को यारे गार भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम गारे सोर आए हैं, गारे सोर पे चढ़ने बिल्कुल भी इफ्तिताह किया है। आज इंशाल्लाह गारे सोर पे चढ़ना है, असर का टाइम है, तो ऊपर देख के काफी लोग ऊपर माशाल्लाह टॉप पे चढ़ गए हैं। अभी हमने स्टार्ट किया असर में, तो इंशाल्लाह जब सारा चलेंगे आपको दिखाएंगे। हैं भी आराम की हालत में, बस अभी देखिए इतना तो हम चढ़ गए। नीचे आप घर दिख रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई है, आराम आराम से चलते हैं। सूरज ग्रुप होने वाला है, मगरिब का टाइम है, तो आगे आपको दिखाता हूँ कितना ऊपर है और कितने अभी हाइट, कैसे मालूम नहीं है, और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, आजकल का चढ़ रहे हैं असर का टाइम है, कोशिश के मगरिब से पहले पहुँच जाए इंशाल्लाह। बैग भी साथ है, बैग में पानी वानी है, इतना तो पहुँच गए ऊपर क्लॉक टावर दिख रहे हैं। ये वो ऊपर टॉप तक है, आधे घंटे का सफर तय कर दिया है। ये भाई चढ़ के आ रहे हैं, उतर के चढ़ के आ गया। वाह मुबारक हो, छोटा बच्चा ऊपर चढ़ के उतर भी गया। ये नजारे देखे, अभी ऊपर पहुंच के आप कुछ दुकानें दिखाते हैं, पर दुकानें भी हैं। अभी थोड़ा बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट किया है, बंदे ने पीछे वाले आगे निकल गए। उधर ऊपर खाने पीने की जगह बनी हुई है, सूरज भी ढल गया है, मगरिब का टाइम होने वाला है, हल्के पुल्के चल रहे हैं। ये पानी पड़ा है, पानी पिया है अभी। चलो अभी निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं। चलो भाई, ये दुकान आ गई है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे, पानी वानी सब कुछ, जो लोग थक जाते हैं यहाँ रेस्ट करते हैं। ये टॉप पर लोग पहुँच गए, और ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी इतना सफ़र तय किया यहाँ से, यहाँ तक सफ़र तय किया, और एक क्लॉक टावर दिख रहा है, ये मक्के का क्लॉक टावर दिख रहा है, और असर भी तकरीबन हो चुके हैं, मगरिब का टाइम हो गया है। बस ये थोड़ा सा सफ़र इंशाल्लाह आधे घंटे और 40 मिनट का सफ़र रह गया, यहाँ से चल रहे हैं। यह दुकान आ गई है, तस्बी मस्बी जूस, मगरिब के अजाने भी हो गए, मगरिब के अजाने हो गई है। ये भी यहाँ चढ़ाई कर रहे हैं, अब ये कुछ यहाँ से पीते वीते हैं, कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए। ये बिल्ली ने बच्चे दिए हैं यहाँ, ये सीढ़ियाँ बनी है ऊपर जा रही हैं। अल्लाह आंटी बस पहुंच गए इंशाल्लाह, थोड़ा सा रह गया, तकरीबन पहुंच गए। ये 20-30 हजार इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी रोशनी नजर आने शुरू हो गई, अंधेरा आ गया है,
20 मिनट का रास्ता रह गया है। अभी सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी आ रही हैं, लंबी लंबी सीढ़ियाँ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कराची है, कुछ नहीं इतनी है यहाँ पे भी। ये तकरीबन पहुंच गए, ये रात आ गया, इतना सफ़र तय करके लोग यहाँ बैठे हैं। ये रात आ गया है माशाल्लाह, ये रात आ गया, लोग ऐसा ऐसा मिल जा रहे हैं। आए है सफ़र आखिरकार तय कर लिया। ये है ग़ारे सोर जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तीन रातें गुजारी थी और काफ़ी देर पीछा कर रहे थे उनका। तो यहाँ पे मकड़ियों ने यहाँ जाला बिछा दिया था और अबाबिल ने अंडे दे दिए थे यहाँ पे। जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत की गरज में वो आए, तशरीफ़ लाए और यहाँ पे उन्होंने तीन दिन क़याम किया और पीछे से दुश्मन काफिर उनका पीछा कर रहे थे। तो वो यहाँ पे समझो कि उन्होंने एक डिफेंस के तौर पे, दिफा के तौर पे, ताकि हमें नज़र भी आए जब ऊपर कोई चढ़ेगा और हम जो है यहाँ स्टे भी कर सके आगे जाना, ताकि ये जो काफिर है वो आगे पीछे हो जाए दुश्मन जो है। तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे तीन दिन क़याम किया तो अबू सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने तमाम सुराख जितने भी थे वो बंद किए हैं। एक सुराख ऐसा था जहाँ पे कोई कपड़ा या कोई चीज़ नहीं था, तो हुज़ूर अबू सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपना पांव मुबारक जो है ना वहाँ पे दिया। तो वहाँ पे एक सांप आया जो सुना है कि 500 साल इंतज़ार कर रहा था हुज़ूर पाक सल्लम की दीदार का कि वो आए, यहाँ आएंगे। तो उन्होंने कई डस मारे लेकिन उन्होंने जो है ना मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे जब उन्होंने दुश्मनाने इस्लाम कुफार या वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मकड़ी ने, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मकड़ी को कि आप फौरन जो है ना यहाँ जाला बनाए। उन्होंने जाला बनाया ताकि ये घर पुराना लगे कि यहाँ पे तो कोई ताज़ा बंदा या मतलब कोई आने वाला तो नहीं है। और इसी वजह से फिर वो वापस हो गए और सुना है कि वो फाख्ता ने जो ना अंडे भी दिए थे। तो फिर जो ना वो वापस हो गए। फिर अबू सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाकिस्तान यहाँ से तशरीफ़ ले गए मदीना। और ये इसलिए हज़रत अबू सदीक को यार ग़ार भी कहा जाता है और यार मज़ार भी कहा जाता है। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि मैंने तमाम के एहसानात इस दुनिया में चुका दिए लेकिन हज़रत अबू सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान क़यामत वाले दिन में उनको बदला दूंगा। तो ये वो जगह है ग़ार-ए-सौर।